सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वेदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में तुहाडा सारिआं दा स्वागत है जी। गल करांगे 27 अप्रैल दीआं सूबे पंजाब दीआं खबरां बारे। उस तो पहलां जिन्हां वीरां भैणां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, उह चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो जी। सब तो पहली खबर, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, दूजा मीटर लगवाउण लई पार करने होणगे 4 औखे पड़ा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे हर खपतकार नूं 300 यूनिट प्रति महीना मुफ्त बिजली देण दा वादा कीता है, जिस दा लाभ 1 जुलाई तो मिलना शुरू हो जाएगा। पर इस तो पहलां ही दूजा मीटर घरां च लगवाउण दी होड़ मची हुई है। ज़्यादातर लोग चाहुंदे हन कि सरकार वल्लों इस स्कीम दा वध तों वध लाभ लिया जा सके। दूजा मीटर लगवाउण दा मुख कारण यह है कि हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दित्ती जाएगी, पर जेकर खपतकार 301 यूनिट बिजली की वरतों करेगा तो उस नूं पूरा बिल भरना पवेगा। इस कारण लोग दूजा मीटर लगवाना चाहते हैं ता जो एक घर नूं प्रति महीना 600 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल सके। मुफ्त बिजली का होर लाभ लैण लई लोग काहली विच दूजा मीटर लगवा रहे हैं। इस लड़ी तहत जलंधर स्थित पावरकॉम के 4 सुविधा केंद्रों समेत रोजाना 500 तो वध नवे मीटर दीआं फाइलां पुज रही हैं। इस नाल पावरकॉम मुलाजमां ते काम का बोझ अचानक वध गया है। देखण विच आउंदा है कि लोग सवेर तो ही सुविधा केंद्र के बाहर कतारां विच लग जांदे हन। मीटर अपलाई किया जा रहा है, लगाना आसान नहीं होगा, इसलिए खपतकार को 4 मुश्किल पड़ा पार करने पैणगे। उस तो बाद ही विभाग वालों दूजा मीटर लगाने की मंजूरी दी जाएगी। बहुत ही भरोसेयोग सूत्रों का कहना है कि भावें इस समय 4 पड़ा हैं, पर आने वाले समय च दूजा मीटर लगाने लई शर्तां होर सख्त हो जाएगी। इस बारे होर जानकारी नोटिफिकेशन आने तो बाद ही मिल सकेगी। अगली खबर दोस्तों, फरीदकोट च सड़क ते कार नूं लगी भयानक अग, जिंदा सड़िया आड़तिया। फरीदकोट च एक भयानक सड़क हादसा वापरिया है। सड़क ते जा रही स्विफ्ट कार च भयानक अग लग गई। कार चालक की अग विच झुलसण कारण मौत हो गई। ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 65 ਸਾਲਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ, 5 ਦੀ ਮੌਤ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਝੰਮਟ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 6 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨੰਗਲ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨੰਗਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨੰਗਲ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਹਿਲ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। अगली खबर दोस्तों, खेती मंत्री तोमर का पंजाब की खेती बारे बड़ा बयान। बोले, पंजाब का किसान अपनी फसल होरां नूं वेचदा पर आप नहीं वरतदा। राज्यवाल ने कहा, सोच समझ के दिओ बयान। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र तोमर ने पंजाब की खेती बारे वड्डी गल कही है। उन्होंने कहा कि रसायनिक खेती का नुकसान अजिहा है कि पंजाब का किसान अपनी बीजी फसल होरां नूं तां वेचदा है पर ओह आप इस दी वरतों नहीं करता है। उन्होंने कहा कि रसायना दे कीटनाशकां दी वरतों दे रुझान नूं बदलना पवेगा। इस दी आलोचना करदिआं सांझा समाज मोर्चा दे प्रधान बलवीर सिंह राजेवाल ने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे बयान दी निखेधी करदिआं कहा कि कीटनाशक सरकार दी देण है। उन्होंने कहा कि अनाज दी मंग नूं पूरा करन लई सरकारां वल्लों किसानां नूं कीटनाशक दवाईआं दित्तीआं जांदीआं हन। हुण जमीनां 'च फसलां दा झाड़ घटण लगा है, इस नूं वधाउण लई मजबूरन हो के कीटनाशक रसायण वरतणे पै रहे हन। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी मंत्री नूं सोच समझ के बयान देना चाहिदा है। अगली खबर दोस्तों, मोहाली PCR च तैनात पुलिस मुलाजम 200 रुपए रिश्वत लैंदा गिरफ्तार। मोहाली PCR च तैनात पुलिस मुलाजम हरप्रीत सिंह नूं उस दे विभाग दे SHO सिटी खरड सतिंदर सिंह ने टैक्सी कार चालक तों 200 रुपए रिश्वत मंगण दे दोष च गिरफ्तार किया है। सिपाही हरप्रीत सिंह खिलाफ सिटी थाना खरड़ च प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7 तहत गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर दोस्तों, पंजाब च विगड़न लग्या करोना। 24 घंटे च इन्ने मामले आए सामने, प्रशासन नूं पईआं भाजणा। पंजाब विच करोना कारण एक बार फिर हालात विगड़ने शुरू हो गए हैं। सूबे विच बीते दिन करोना कारण मोगा विच एक मरीज की मौत होने की खबर सामने आई है। इस दे नाल ही जलंधर विच 3 महीने का बच्चा करोना पॉजिटिव पाया गया है। इस तों इलावा 2 नवे मरीजों नूं साह लैण विच तकलीफ दे चलदिआं ऑक्सीजन सपोर्ट ते रखना पिया, जिस तों बाद हुण 5 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट ते
ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ 2.14% ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 3 ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.24% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1-1 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। अगली खबर दोस्तों, सरकार बदलते ही बदले फरमान, स्कूलों च किसी भी अध्यापक नूं दिता जा सकेगा मिड डे मील दा जिम्मा। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ PTI, DPI, ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ, ਸਿਲਾਈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੱਗਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਂਬਰਿਜ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अगली खबर दोस्तों, की फिर तो लगेगा लॉकडाउन, भारत च आ रही कोरोना की चौथी लहर, जानू की कह रहे माहर। पूरी दुनिया च कोरोना दा कहर रुकण दा नां नहीं लै रहा। कोरोना दी तीजी लहर दे खत्म होण तों बाद अजिहा लग रहा सी कि हुण कोरोना हमेशा लई खत्म हो गया है, पर फिर तो कोरोना दे वधदे मामलियां ने लोकां नूं परेशान करना शुरू कर दिता है। दुनिया समेत भारत च भी कोरोना दे मामले तेजी नाल वधण लगे हन। भारत विच कोरोना वायरस दी चौथी लहर दे खतरे दे विचकार सेहत माहरां ने ओमिक्रोन दे नवें रूप दे उभरण दी संभावना जताई है। कोरोना दे वधदे मामलियां नूं देखदे होए चीन फिर तो लॉकडाउन लगाया गया है। इस दे नाल ही जर्मनी समेत होर यूरोपी देशों विच भी कोरोना दे मामले लगातार वध रहे हन। इस दे नाल ही जेकर भारत की गल करिए तां दिल्ली अते मुंबई च कोरोना दे वधदे मामलियां नूं देखदे होए देश च जल्द ही चौथी लहर आ सकती है। सेहत विभाग दे अनुसार भारत विच पिछले 24 घंटियां विच कोरोना वायरस दे 2483 नवें मामले सामने आए हन। इस समय देश विच संक्रमण की दर 0.55% है अते एक्टिव केस 15,636 हन। इस दे मद्देनज़र सेहत माहिरां दा कहना है कि भारत विच कोरोना की चौथी लहर आउण दी संभावना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महामारी विज्ञानी विभाग के सबका मुखी डॉक्टर ललित कांत ने कहा कि जिवें ही लोग मास्क पाना बंद कर देंगे हैं कोरोना के मामले फिर तो वधने शुरू हो जाते हैं। अजिहे च कोरोना के मामलों च उतार चढ़ाव आउणगे, पर यह जरूरी है कि इस नाल मरण वालों की गिनती ना वधे। कोरोना के वधदे मामलों देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने घर तो बाहर मास्क ना पाने वाले लोगों पर फिर तो 500 रुपए का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। माहिरां दा कहना है कि सेहत सिक्ख्या दे नाल मास्क लगाउण नूं लागू करना चाहीदा है, पर मास्क पहनने तो इलावा किसी किस्म की पाबंदी लगाउण दी लोड़ नहीं है।
अगली खबर दोस्तों, पंजाब नूं रेगिस्तान वल ले जा रहा धरती हेठले पानी दा डिग रहा पद्धर, नहीं हो रहे ठोस उपराले। पंजाब च धरती हेठले पानी दे लगातार डिग रहे पद्धर कारण हर साल विज्ञानी चेतावनियां दिंदे आ रहे हन कि पानी नूं अजाई ना जान दिओ अते खेतीबाड़ी उद्योग लई दरियाई पानी दी वरतों कीती जावे, क्योंकि धरती हेठला पानी मनुखी जीवन लई अति जरूरी है। दरियाई पानी च अनेक किस्म दे पोषक तत् हुंदे हन जो कि कुदरती तौर ते वधिया फसल लई धरती नूं उपजाऊ बना के रखदे हन, पर पंजाब दे दरियावां दा कीमती पानी हर साल अजाई वह जांदा है, जिस कारण किसान धरती हेठला पानी वरतन लई मजबूर हन। पानी कुदरती अनमोल देन है अते इस दी संभाल अपने अनसर दी लोड़ है। लोकां ते राज करदियां सरकारां अपने राशी फायदे खातर पानी संभाल प्रति कोई ठोस उपराले नहीं कर रहियां। सिट्टे वजों वड्डे वड्डे कारखानियां चों निकलदा बेहद दूषित पानी शरेआम साडे दरियावां च सुट के जीवन नूं मौत दे राह तोरिया जा रहा है। कुदरत नाल कीती छेड़छाड़ बहुत हानिकारक हुंदी है। मनुख वल्लों कुदरत संतुलन च विगाड़ पानी खिचन ते जोर धरती नूं मुड़ सिंजन वल बेध्यानी कुदरत ते हमला है। जदों मनुख कुदरत ते हमला करदा है, कुदरत मोड़वां हमला करदी है, मनुख तों बदला लैंदी है अते मुड़ अपना संतुलन स्थापित करदी है। पानी दे पद्धर डिगण दा मुख कारण मच्छी मोटरां। सूबे च पानी दे लगातार डिग रहे पद्धर दा मुख कारण समरसीबल हन जो पंजाब नूं रेगिस्तान बनाउण च कोई कसर नहीं छड रहियां। सूबे च इस समय करीब 13 लाख ट्यूबवैल कनैक्शन हन जिन्हां दी गिनती हर साल वधदी जा रही है। सरकार वल्लों इस स्थिति नूं वेखदिआं कुझ हल्के डार्क जोन वी ऐलानै हन, पर इस दे बावजूद इह गिनती लगातार वध रही है। पंजाब केवल रेगिस्तान नहीं बल्कि जहरीला रेगिस्तान बणन वल भी अगे वध रहा है। अजिहे हालातां च किसानां नूं झोना लाउण वर्गे दोष ला के असल दोषियां नूं बरी नहीं कीता जा सकदा। SYL नहर कारण पंजाब हरियाणा च राजनीति जंग चल रही है। हरियाणा जिथे SYL नहर च अपने हिस्से दा पानी मंग रहा है, उत्थे पंजाब कोई भी फालतू पानी ना होण दा तर्क दे के पानी देण तों साफ इनकार रहा है। पंजाब हरियाणा च चल रही इह राजनीति जंग किसी भी समय खतरनाक सूरत तैयार कर सकती है। UNA दी एक रिपोर्ट च इह प्रगटावा होया है कि जे संसार दी तीजी विश्व जंग होई तां उह पानी दे मसले ते होवे। पानी तो बिना जीवन असंभव है। अगली खबर दोस्तों, सूबे दे सारे स्कूल 5 दिनां लई बंद, सरकार ने इस वजह करके लिया फैसला। उड़ीसा भयानक गर्मी की लपेट च है, तापमान काफ़ी वध गया है। गर्मी ते लू कारण लोगों की हालत खराब है। गर्मी ते लू का स्कूली बच्चों ते बहुत असर पै रहा है। इस दौरान सरकार ने वड्डा फैसला लैंदे सूबे के स्कूल 5 दिनां लई बंद कर दिते हैं। उड़ीसा सरकार वालों जारी दिशा निर्देशों स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सूबे च गर्मी की स्थिति के मद्देनज़र सूबे के सारे स्कूल 26 तो 30 अप्रैल तक 5 दिन लई बंद रहेंगे। अगली खबर दोस्तों, कांग्रेस दी अनुशासन कमेटी दा सुनील जाखड़ खिलाफ वड्डा एक्शन, 2 साल लई सस्पेंड करन दी सिफारिश। पंजाब कांग्रेस दे साबका प्रधान सुनील जाखड़ नूं पार्टी विचों 2 साल लई सस्पेंड करन दी सिफारिश की गई है। इस बारे अंतिम फैसला कांग्रेस दी कौमी प्रधान सोनिया गांधी वल्लों लिया जाएगा। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।